कैब पास होने पर दिल्ली में शरणार्थियों ने जश्न मनाया। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन आदर्श नगर में शरणार्थियों के बीच पहुंचे। हर्षवर्धन ने कहा वहां बच्चों को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया, तो कहीं विरोध के सुर तो कहीं इस बिल को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को मिठाइयाँ बांट कर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की। तैयार बैठो। तो जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर नाराजगी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की तरफ से जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में शरणार्थियों ने इस बिल के पास होने का स्वागत किया और खुशियां यहां पर जाहिर की। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त की, जब दिल्ली शरणार्थियों के बीच बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे और मिठाइयां बांटकर उन्होंने लोगों के साथ ये खुशियां साझा की। तो कैब पास होने पर दिल्ली में जश्न किस तरह से मनाया गया उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में शरणार्थियों के बीच पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस दौरान दिल्ली में बसे शरणार्थियों ने भी काफी खुशी जाहिर की। तो कहीं विरोध तो कहीं जश्न, और दिल्ली की ये तस्वीरें जो शरणार्थियों के बीच आदर्श नगर पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत खुशी का अवसर है, इतिहास का ये सबसे स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है और खाली इनको खुशी नहीं है, जो बेचारे 70 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे हम सबको भी उतनी खुशी है। हम लोग भी इतने सालों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे जो है ये लोग जो हमारे भाई हैं, हमारा खून है, और ये लोग जो है भारत के अंदर इतनी तकलीफ के अंदर रहते हैं, इनको नागरिकता नहीं मिली इसलिए इनके पास कोई कार्ड नहीं है और उसके कारण इनको कोई सुविधा नहीं है, आज ये सब इनको बराबरी का दर्जा हो गया है।